तो प्रभु की अगर जीवन में इच्छा होती है तो प्रभु उस बंदे को चुनता ही चुनता है। तो प्रभु ने मेरे जीवन में भी ऐसा किया। मसीह यीशु की अजीम बाबर के चलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ नामा देखने वालों को मेरा सलाम। मेरा नाम बाबर इमैनुअल है और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हाउस ऑफ नेशंस। आज आप मेरे साथ हैं गेथसेमनी हाउस ऑफ प्रेयर्स कीपोंग कुआलालंपुर मलेशिया। आप मेरे साथ बने रहिए, हम आपको इस चर्च की सैर करवाएंगे और यहाँ पर जो पास्टर इंचार्ज है पास्टर आसिफ सेवन साहब, उनसे भी मुलाकात करवाएंगे और जानेंगे उनकी सारी खिदमत के बारे में। जी भाई साहब, मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं आपके साथ हूं और खास तौर पर आपने मुझे जो इनविटेशन दिया कि मैं जरूर आपके पास आऊं, तो ये मेरे लिए एक इज्जत अफजाई है और मैं आपके साथ हूं आज। ये मेरे लिए यकीन मानिए कि आपने जिस तरह से मैंने आपके बारे में सुना हुआ था वो ही पाया है, जिस तरह से आप पैशन के साथ यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं। तो मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने अपनी खिदमत का आगाज कब किया। सबसे पहले तो खुदावंद यीशु के अजीम मीठे और मुबारक नाम में आप सबको शालोम, जय मसीह की, अस्सलाम। मैं प्यारे भाई बाबर खुदा का भी शुक्र करता हूँ और आपका भी शुक्र गुजार हूँ कि आप मलेशिया में आए और जहाँ पर हम रहते हैं एक बहुत बड़ा हजूम और आप कह सकते हैं कि बड़ी भीड़ और बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान और इंडिया से आए हैं वो इस इलाके में रहते हैं और खुदा ने मुझे फजल दिया कि मैं यहाँ पर आऊँ और खुदा का काम करूँ। तो मैं आपका शुक्र गुजार हूँ कि आपने मौका दिया ताकि हम नेशनल जो चैनल है क्रिश्चियन चैनल यूट्यूब पर उसके तवसत से मैं आपसे और लोगों से बात करूँ। भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपने अपनी खिदमत का आगाज शुरू किया तो वो कौन सी जगह थी जब खुदावंद ने आपको ये रोया बख्शी कि मैं खुदावंद के कलाम की बुनियादी करूँ, तो आपने बकायदा इसके लिए सेमिनरी वगैरह भी की। शुक्र है खुदा का कि खुदा ने फजल दिया कि हमने खुदा के लोगों से सीखा, सेमिनार, सेमिनरीज और बाइबल स्कूल, और जहाँ खुदा ने हमें मौका दिया सीखने का हम वहाँ पर गए और सीखा। बेसिकली मेरा ताल्लुक लाहौर FGA चर्च से है, एक बड़ा मशहूर चर्च आप जानते हैं। जी बिल्कुल, FGA बहार कलोनी, और पास्टर सादक मसीह जो अब मसीह यीशु में सो गए हैं वो मेरे रूहानी उस्ताद हैं और मेरे रूहानी बाप भी। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा अपने बचपन से, और खिदमत का आगाज मैंने अपने इलाका टाउनशिप में जहाँ पर मेरा घर है टाउनशिप लाहौर में वहीं पर किया। और ये 92 का वाकया है जब खुदा ने मुझे फजल दिया कि मैं यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करूं। वेरी यंग एज भाई साहब, बिल्कुल उस वक्त तो जो मैं समझता हूँ कि टीन एज होगी आपकी जब आपने ये खिदमत का आगाज किया। जब मैंने खिदमत का आगाज किया तब मेरी उम्र 17 साल थी, टीन एज। तो खुदा ने मुझे फजल दिया और मुझे याद है मैंने 10 जून 1992 में मैंने अपनी जिंदगी खुदावन को दी, और फिर 31 जुलाई 1992 ही को मुझे पाखरू का बपतिस्मा मिला। प्रेश, और मैंने उसी सुबह मैंने पानी का बपतिस्मा लिया और फिर चर्च के साथ मैं जुड़ा रहा और चर्च के साथ मिलकर काम किया। तो भाई साहब, ये तो हो गया आपने बपतिस्मा लिया और आपने ऑब्वियसली जैसे आप बता रहे कि आप शुरू से ही खुदावन के साथ थे, मुख्तलिफ चर्चेस, और आप बता रहे थे कि हम लोग स्ट्रीट एवेंजलिज्म भी किया करते थे, तो इसके लिए आपने कोई सेमिनरी वगैरह की किसी बकायदा कॉलेज से? स्ट्रीट एवेंजलिज्म जो है एवेंजलिज्म इंसान के अंदर ऐसे ही। एक और बात कहना चाहता हूँ, बहुत सारे बहन भाई जो खिदमत करना चाहते हैं वो जरूर है कि वो सेमिनरी जरूर अटेंड करें। सेमिनरी जो है वो हमें खिदमत करना सिखाती नहीं है, जो हम खिदमत करते हैं उसको खूबसूरत बनाती है ऐसे ही। और जो हमारे पास नॉलेज होता है जो खुदा के फजल से हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, उस्तादों से सीखते हैं,
अपने तजर्बे से सीखते हैं, किताबों से सीखते हैं, आजकल तो मीडिया का दौर वहां से सीखते हैं। बिल्कुल ऐसे तो सेमिनरी जो है वो हमें सिखाती है कि उस इल्म का इस्तेमाल कैसे करें। तो इसलिए ऑब्वियसली जैसे हर काम को करने के लिए डिग्री ली जाती है, डॉक्टर है तो उसने MBBS किया है तो उसको हम डॉक्टर कहते हैं, उसके पास लोग इलाज करने के लिए जाते हैं। अगर वो पढ़े ना, डिग्री ना ले तो मुमकिन ही नहीं है कि वो लोग उसके पास जाएंगे, डरेंगे लोग, कहेंगे नीम की खतरा है। बिल्कुल ऐसे ही है, आजकल ऐसे ही है जब लोग सेमिनरी नहीं करते। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के प्रोसेस से कि मेरी रिक्वेस्ट है जो नौजवान बच्चे बच्चियाँ और बुजुर्ग भी खुदा का काम करना चाहते हैं वो किसी ऑथेंटिक सेमिनरी में जाए जो चर्चिस की तरफ से और हुकूमत की तरफ से जिसको बकायदा तौर से सनद दी गई। नाज़रीन अभी मेरे साथ मिसेस डेबरा सैमुअल भी मौजूद हैं और जिस तरह से भाई साहब ने उनकी गवाही का जिक्र किया कि खुदावन ने उनको ये रोया बख्शी कि वो एवेंजलिज्म करें, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि हम अपनी बहन से भी उनकी इस खिदमत के आगाज के बारे में उनसे जानें। जी मैं आपको वेलकम करता हूँ नेशनल न्यूज़नामा में। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ पास्टर साहब का और आपका भी कि आपने मुझे दावत दी कि मैं आपके चर्च में आऊं और आपकी सारी खिदमत को दुनिया तक लेकर जाऊं कि किस तरह से खुदावंद अपने बेटों बेटियों को इस्तेमाल कर रहा है। तो आप बताइएगा कि जब आपके साथ ये सारा जेल का वाकया जैसे भाई साहब ने बताया हुआ, तो भाई साहब ने कहा कि जिस तरह से मैं एवेंजलिज्म कर रहा था उससे पहले आकर मेरी मिसिस ने यानी कि आपने आकर उन्हें खुशखबरी दी, इस तरह से मैं खुदा के नाम को जला दे रहा हूँ। आप जरूर अपनी जबान में वही नाज़िम बताइए। शुक्रिया बाबर भाई। सबसे पहले तो मैं खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रूह कुदस की शुक्र गुजार हूँ और हम आपको मलेशिया में वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। हम आप यहाँ आपसे मिलकर बहुत खुश हुए हैं और जैसा कि अभी मिनिस्ट्री के ताल्लुक से एवेंजलिज्म के ताल्लुक से आपने एक क्वेश्चन किया, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम थर्ड जनरेशन हैं हमारी नानी, उनसे अभी हम बहुत छोटे थे जब से हमने उनको सुनना शुरू किया, उसके बाद हमारी मदर और मैं थर्ड जनरेशन, और ये काम तो बहुत देर पहले ही से हमने शुरू किया और 2000 में मैंने पानी का बपतिस्मा लिया। yes. और खुदा का शुक्र करती हूँ, मेरे लिए बड़ी ये खुशी की बात है कि बपतिस्मा भी मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया तब हमारी मंगनी हुई और उसके बाद फिर मैंने मजीद आगे यीशु को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने के बाद अपना दुआ में वक्त गुजारा खुदा के साथ। और फिर जब हम मलेशिया में आए, ये बड़ा वैसे सिस्टर जी टफ डिसीजन नहीं है कि आप छोड़ छाड़ कर सब कुछ अपने हस्बैंड के साथ मलेशिया में, तो ये बड़ा मुश्किल फैसला होता है खासतौर पर लेडीज के लिए। ये यकीनन मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल, और पर जहाँ मेरे हस्बैंड थे जहाँ तेरा माल वहाँ तेरा दिल भी लगा रहेगा, हम इकट्ठे यहाँ पे आए, इसका मतलब मैं तो माला माल और खुदा का शुक्र है कि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं हम इकट्ठे जाते हैं। और जब ये वाकया हमारे साथ पेश आया जेल का, और वो उस वक्त बड़ी एक तकलीफ देने वाली चीज थी हमारे सामने, इमिग्रेशन का नाम सुनते ही हर इंसान काम जाता है, पर खुदा बुराइयों में से भी मुश्किलात में से भी अच्छी चीजें निकालते हैं। सारे खुदा के मंसूबे भलाई के हैं, हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। तो जब लड़कियों को मैंने वहां पे देखा जेल में, बहुत देर देर से वहां पे थी और उनके फैमिलीज के साथ भी कॉन्टेक्ट नहीं थे, तो ऐसी लड़कियों ने जब मैंने उनके आंसू देखे और मेरा दिल टूट गया और मैंने उनके लिए दुआ करना शुरू की, और जब मैंने उनसे कहा कि दुआ में बैठो, और उन्होंने कहा नहीं हम दुआ नहीं करेंगे इसलिए कि खुदा ने हमें छोड़ दिया। ये क्रिश्चियन अफ्रीका की एक लड़की, कितने और 13 साल से वो जेल में थी, और फिर मैंने कहा किसे बात करना अभी मुनासिब नहीं, इसका दिल बहुत दुखी है। खैर मैंने उसके लिए दुआ करना शुरू किया, मैं उसके लिए मुसलसल दुआ करती रही, और मैंने उसे देखा कि ये अजीब मोर्चा हुआ मेरी आंखों के सामने। उसे नहीं पता, एक दिन एक इमिग्रेशन की लेडी आई और वो उसे अपने साथ लेके जाना चाहती थी, तो वो कहती कि कहाँ मैंने जाना है, कहती
तेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने कंप्लीट करने हैं। और क्या वहां जाकर से पता चलता है कि उसकी टिकट आ गई है और कुछ भी पता नहीं टिकट भेजी किसने है। तो मुझे उसने कहा कि अगर खुदा मुझे यहाँ से निकाले तो फिर मैं दुआ करूंगी, स्टार्ट करूंगी, बेशक मैं क्रिश्चियन हूँ लेकिन खुदा ने मुझे छोड़ दिया, मैं खुदा से नाराज हूँ। और उस दिन फिर मैंने जो उसकी प्रेस देखी, उसने जो वर्शिप की, अमेजिंग अमेजिंग था, उसने किया खुदा के हुजूर में और गिर गई। और सारा वहां पे सारी लड़कियां, बहुत ज्यादा लड़कियां थी, सारी लड़कियां रोने शुरू हुई। इवन के इमिग्रेशन की औरतें खुद भी, भले औरतें वो भी रोने लगी उस पर। इन सारी बातों के लिए खुदा का शुक्र। और फिर जब क्लबों की लड़कियां और मसाज सेंटर में कुछ गैर कानूनी तौर पे जो काम करती हैं वो लड़कियां पकड़ी गई, जैसे पास्टर ने बताया एक लड़की सिर्फ इंग्लिश बोलती थी। और मैं इस बात के लिए खुदा की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि जब हमने अपना मुंह खोलना है, खुदा ने हमें इस्तेमाल करना है, तो कोई भी बैरियर नहीं रह जाता।